सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। सपोज कीजिए हमें केएसपी दे रखा है लेड ब्रोमाइड का, ठीक है, हमें केएसपी दे रखा है लेड ब्रोमाइड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 2.048 × 10⁻¹⁹, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोल रखा है कि लेड ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो इतना है, और हमें क्या हमें कहा गया है कि इफ़ इट इज़ 80% डिसोसिएटेड, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ इट इज़ 80% डिसोसिएटेड, यदि वह 80% आयनित होता है, ठीक है, देन वी पीपल हैव टू डिटरमाइन इट्स सॉल्युबिलिटी, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, एंड दैट सॉल्युबिलिटी इज टू बी फाउंड इन ग्राम पर लीटर, आपको उसे ग्राम पर लीटर में निकालना है, जबकि मैं आपको लेड ब्रोमाइड का मोलर मास हमें दे रखा है 367, ठीक है, इसका मोलर मास दे रखा 367, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है ग्राम पर लीटर में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए केएसपी दे रखा है, आपको बोल रखा है कि 80% डिसोसिएट हो रहा है, और आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है ग्राम पर लीटर में, जबकि मोलर मास भी यहाँ पर गिवन है 367, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके जरा 2-3 मिनट ट्राई कीजिए, हो सकता है और भी जल्दी हो जाए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए और मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए लेड ब्रोमाइड जो होता है वो PbBr2, जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे देन इट विल बी आयनाइज्ड इनटू लेड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। PbBr2 जो है वो किस में ब्रेक होगा, PbR2 प्लस में और 2Br- में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक क्या था, हम लोग जो पढ़ते आए, हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, मैं उसमें ये बार बार आपको कह रहा था कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमने जितना मैक्सिमम डिसॉल्व किया वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा कई बार नहीं होता है, अमूमन ऐसा बहुत बार नहीं होता है बल्कि, ठीक है, बट दैट वॉज द थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड टू मेक द केस सिंपलेस्ट वन, अदरवाइज अब यहाँ पर देखिए जैसे हमको बोला है कि पूरी तरह से वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, इट इज 80% डिसोसिएटेड, हमने जब भी थ्योरी पढ़ी, हमने पिछला जो सम्स करे उसमें हमने 100% डिसोसिएशन माना, पर यहाँ पर नहीं, तो क्या होगा जरा हम समझते हैं। सपोज कीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, अब पहले तो आप इनके साइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देख लीजिए, जब इसका एक मोल टूटता है तो इसका एक मोल और इसके दो मोल बनते हैं, जितना इसका टूटता है उतना ही इसका बनता है, लेकिन इसका दुगना बनता है। अब यहाँ पर 80% डिसोसिएशन हो रहा है, 80% का मतलब होता है 100 पर 80, तो 1 पर कितना होगा 0.8, करेक्ट। अरे अगर भाई 100 पर 80, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, 100 पर कितना, तो 100 पर अगर 80 मोल डिसोसिएट हुए तो 1 पर 0.8 मोल डिसोसिएट होंगे, और 1 पर अगर 0.8 मोल डिसोसिएट होंगे तो एस पर कितने होंगे 0.8s, करेक्ट भाई, 100 पर 80 तो 1 पर 0.8, तो 100 एस पर कितने, एस पर हो जाएंगे 0.8s, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.8s, और ये कितना बन जाएगा 1.6s बन जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि इसके 0.8s मोल टूटे तो इसके उतने ही बनेंगे और इसके उसके दुगने बनेंगे, करेक्ट। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। देखिए क्या हो रहा है, अगर सपोज कीजिए सॉल्युबिलिटी एस है, आपने परसेंट का मतलब क्या हुआ 100 पर 80 टूटे तो 1 पर 0.8 टूटेंगे, तो S पर कितने टूटेंगे, S पर टूटेंगे भाई, सॉल्युबिलिटी अगर S है, सपोज कीजिए अगर साल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो उसका 80% मतलब इतने मोल डिसोसिएट होंगे, और जितने मोल इसके डिसोसिएट होंगे उतने मोल इसके बनेंगे। अब इसके अगर 0.8s टूटे हैं तो इसके 0.8s बनेंगे, और जितने मोल इसके टूटे हैं उसके दुगने इसके बनेंगे, ठीक है। आपने घोले इसके S मोल थे लेकिन उसमें से डिसोसिएट कितने हुए, डिसोसिएट हुए उसमें से 80% यानी कि 0.8s। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा साहब ये इनकी सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट, और जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, उसकी पावर चढ़ाएंगे। यहां पर देखते हैं कई लोग गलती करते हैं, यहां पर 0.8 की पावर चढ़ाते हैं, काहे भाई, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट थोड़ी ना, ये तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, ये तो स्टाइक्योमेट्री है कि हाँ इतने मोल्स इसके बने। अभी आप यहाँ पर देखिए स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैं इसको पावर में रखूंगा 1, करेक्ट। यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो मैं पावर में रखूंगा, ना कि साहब यहाँ ये कर देंगे सर 2 × 0.8 × 1 मतलब 1.6 हो रहा है तो सर 1.6 रखिए, नहीं। अरे भाई उससे तो हमको ये मालूम पड़ा कि इसके इतने मोल्स बन रहे हैं, इसके इतने मोल बन रहे हैं, बट व्हाट आर देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, वो आपको पावर में रखने, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 0.8s, और रही बात 1.6 का स्क्वायर की, तो 1.6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो 2.56 आएगा, और इनटू एस स्क्वायर हो जाएगा
by 0.8 into 2.56 into S square. अब 2.56 और 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.048 into S cube. इतना आ गया, ठीक है. अब यहां पर जरा देखिए KSP कितना दे रखा है, KSP दे रखा है 2.048 into 10 to the power minus 9 is equals to कितना 2.048 into S cube, करेक्ट. अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए, और यहां से क्या आ गया, यू हैव गॉट 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल टू एस क्यूब. अब यदि मैं दोनों साइड अगर क्यूब रूट ले लूं, दोनों साइड यदि मैं क्यूब रूट ले लूं तो मैं क्या पाऊंगा 10 टू द पावर माइनस 3. अच्छा, ये जो सॉल्युबिलिटी आएगी कायम आएगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, दिस सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर. ये सॉल्युबिलिटी आएगी आपके पास में मोल पर लीटर में, पर मेरे को मोल पर लीटर में नहीं निकालने का है, मेरे को तो ग्राम पर लीटर में निकालने का. एंड टू डिटरमाइन दिस सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, वी नो दैट मोलर मास से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस विथ मोलर मास देन आई गेट इट इज 0.367 ग्राम पर लीटर. सो दिस हैज गिवन मी द डिजायर्ड आंसर. और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी कायम आ गई ग्राम पर लीटर में. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए, अभी हम जो जनरली किया करते हैं, हम ये मानकर चला करते हैं कि पूरा डिसोसिएट हो रहा है. जब भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम ये मानकर चलते हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, हाउ मेनी मैक्सिमम मोल्स आर डिसॉल्व, दोस कंप्लीटली मोल्स आर आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड. तो आपने एस मोल बोले, अब उसमें से टूटे कितने 0.8s, 80% डिसोसिएशन हुआ. तो एक मोल टूटता तो एक मोल बनता 0.8s, टूटे तो 0.8s बने, और एक मोल टूटता तो दो मोल बनते 0.8s, टूटे तो उसके दुगने बन जाएंगे. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, ये इनटू ये, और उसकी पावर चढ़ा दीजिए. उसकी पावर चढ़ा देंगे, उसकी पावर चढ़ा देने के बाद में कुछ सॉल्व कर लेने के बाद में ये आएगा. और बाई चांस लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर टर्म्स कैंसिल हो गए, बड़ी फटाफट मेरे पास में सॉल्युबिलिटी आई मोल पर लीटर में. मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में आ गई.